हेलो 8 क्लास, ये हमारी वीडियो नंबर 4 होगी जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 3.1 को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको खुद से करना है। ठीक है, और जो नोट्स जो मैंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्या है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आप ये देख रहे होंगे ये फिगर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक एंगल है 40, एक है 140, एक है 110 और एक है x। तो हमें ये जो मिसिंग एंगल है ना, हर फिगर में ये मिसिंग एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, हर एंगल में, हर फिगर में हमें अब ये मिसिंग एंगल जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हमें क्या हेल्प करेगा, आपने देखा होगा एक ट्रायंगल में कितने, एक ट्रायंगल के अगर सारे एंगल को आप सम करें तो क्या आता है, 180। वैसे अलग अलग एंगल के सम को अलग अलग मेजर से किया जाता है। जैसे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360। तो इसको ऐड करके 360 के इक्वल टू में रखेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। और एक चीज़ और, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो सारे फिगर नीट एंड क्लीन बनने चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप ऐसे लिखेंगे, फाइंड एंगल ऑफ मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर है, बिल्कुल स्केल से एकदम सीधा सीधा बनाएंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं। ये देखो कितने लाइन, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं। यानी कि इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल का सम का फॉर्मूला होता है 360। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल सम होकर मतलब प्लस कर देंगे तो 360 के बराबर होता है। ठीक है, 360 के बराबर होता है, जैसे ट्रायंगल का 180 होता है। तो पहले तो हम लिख देते हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, तो यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल के जितने भी एंगल्स हैं हमारे इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उसका सम क्या होता है, 360। हमने ये लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, इसके बाद अब गिवन फिगर में क्या है, हमें मालूम है कि गिवन फिगर में क्या दिया हुआ है, इन दी गिवन फिगर में हमें 4 एंगल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चे, पहले लिख लेते, 40 दिख रहा है, 40 डिग्री प्लस क्या दिख रहा है, 140 दिख रहा है, 140 डिग्री प्लस 110 डिग्री दिख रहा है, और एक दिख रहा है x डिग्री। और हमें किसके इक्वल में रखना है, 360 डिग्री के बराबर रखना है। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ये नोट लिख दिया कि चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, ऐड करके क्या आएगा, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 290 डिग्री। क्या आएगा, ऐड करके देख लेना, 290 डिग्री आएगा प्लस एक्स डिग्री, यहाँ पे ये है ही क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, मिसिंग है ये 360। ठीक है, अब हमें मालूम है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रहने दीजिए और दूसरे वाली चीज़ को यहाँ लेकर आएंगे माइनस में। पहले जो चीज़ जहाँ है वहीं लिखते हैं, फिर ये वाली चीज़ यहाँ आएगी उठकर प्लस में है, तो यहाँ आकर क्या हो जाएगी, माइनस ही, हमने पहले से ही सीखा है। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 70 डिग्री। जब 360 में से 290 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, 70 डिग्री। ओके, तो यानी कि मिसिंग एंगल हमारा क्या आ गया, 70 डिग्री। ठीक है, और यह हमें निकालना ही था, यानी कि यह हमारा कितने डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री। अब आप देखो चेक करने का क्या तरीका, जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, 360 आ रहा होगा, इन चारों को ऐड कर दो, 40, 140, 110 और 70, सबको ऐड कर दोगे 360 के बराबर आ रहा होगा, यही चेक करने का आपका तरीका होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपका, फिगर आप लोग ढंग से बनाया, ठीक है, जैसे मैंने बनाया, यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप प्रॉपरली ढंग से बनाएंगे। आपका क्या है, ये देखो, एक वन एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, यानी कि इंटीरियर में कितने एंगल है, 4 एंगल, यानी कि ये भी 360 के इक्वल में रखेंगे। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हमें निकाला है, पर ये मिसिंग है। अब जब तक हमें ये 3 नहीं मिलेगा तब तक हम ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ पता चल रही है, ये हमने हर क्लास में सीखा है, जब ऐसे कोई भी लाइन जा रही होती है तो ये हमारे किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ये मालूम है हमें। अब ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो हमें अब ये निकालना है। ठीक है, ये साइड निकालिए, कैसे निकालेंगे, अब देखिए
हमने पढ़ा है कि एक लाइन पे जितने भी पेयर बने, मान लीजिए कि ये लाइन है, इससे कोई लाइन जा रही है, ठीक है, जितने भी पेयर बने एंगल के, तो वो सारे कितनों के बराबर होता है बेटा, वो होता है 180 डिग्री के बराबर, और इसे कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। एक लाइन पे जितने भी पेयर बनते हैं एंगल के सीधे सीधे, वो 180 के डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, ए मान लेती हूँ, अपने आप से आप इसको ए मान लेना, क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी है निकालना, ये निकालूंगी तभी तो इन तीनों का यूज़ करके ये निकलेगा, ठीक है। तो इसको मैं ए लेट करती हूँ, अब देखो फटाफट से कैसे करते हैं। हमें मालूम है ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये लीनियर पेयर शो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? लीनियर पेयर शो करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फिगर, इट कैन बी concluded that, ठीक है। अब देखो इस फिगर से, ये मैं बता रही हूँ कि इस फिगर से हम कैसे क्या कंक्लूड निकाले हैं, क्योंकि ये निकालना है। अब इससे देखो क्या है, 90 डिग्री है प्लस ए है, देखो एक लाइन पे ये बना रहे हैं ना एंगल, ए प्लस सी, तो यानी कि 90 प्लस ए, तो हमें मालूम है कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा, लीनियर पेयर है। क्या है बेटा? लीनियर पेयर है, तो इसलिए इसको हमने लीनियर पेयर, जितने भी एंगल, अगर एक और जा रहा होता, अगर चार लाइन, अगर चार एंगल बन रहे होते, वो चारों भी 180 के बराबर होता। अब ए निकालना है तो निकाल लो, 180 डिग्री है, माइनस कर दो, 90 डिग्री हो गया, तो ए बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये भी हमें मिल गया, क्या मिल गया बच्चे, ये हमें मिल गया 90 डिग्री। अब तो इन तीनों का यूज़ करोगे, ये 80 है, ये 50 है, ये 90 है, अब ये तीनों यूज़ करके ये निकाल सकते हैं हम, ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें मालूम है, अब हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इस 360, ठीक है, ये हमें मालूम है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब वैसी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें एक एंगल पहले से ही पता था 80 डिग्री, एक पहले से ही दिया हुआ था 50 डिग्री, और एक हमने खुद से निकाला, हमने खुद से क्या निकाला, 90 डिग्री, और एक चौथा प्लेस पे क्या है, x डिग्री, ठीक है। और हमें मालूम है कि ये चारों एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाएंगे, टोटल 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ऐड करके आएगा, जब आप इसको 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 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 220 डिग्री, ओके। और ये प्लस x है ही, इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये x रह जाएगा, 360 में से आप माइनस करेंगे 220 डिग्री। अब जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 140 डिग्री, ओके। तो यानी कि हमारा जो मिसिंग एंगल था बेटा, वो हमें मिल गया। क्या है मिसिंग एंगल? 140 डिग्री। अब जब आप इधर 40 रखेंगे ना, ये भी 140 डिग्री मिल गया। अब आप इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, और इसको ऐड करें, सब मिला के आपका क्या बन जाएगा, सब मिला के आपका बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल सही से करना है, बिल्कुल अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे सी। सी में ना बच्चे फिगर में कुछ प्रॉब्लम है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है ना बेटा, ये जो फिगर है ना, इस फिगर का अगर हम यूज़ करके अगर एंगल्स निकाल भी लेते हैं तो एंगल निकलेगा नहीं, वो पॉइंट में समथिंग निकलेगा, ठीक है। तभी हम ये वाला फिगर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इस फिगर में मिस्टेक है, हम फिगर ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि ये करेक्ट फिगर है, ठीक है। अब ये देखो, ये एंगल जा रहा है, ये 30 डिग्री है, ये x एक्स है, ये 70 है, और ये 60 है, ठीक है। अब हमें अंदर के एंगल्स निकालने, ये मालूम है कि ये अंदर है, ठीक है। तो 1, 2, 3, यहाँ ये 4 और यहाँ ये 5, कितने एंगल बन रहे बच्चे, 5। इसको हम ए मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये निकाले बिना ये हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। और ये निकालेंगे, इसको बी मान लेते हैं, ऐसे करके आप इस फिगर को बनाएंगे, ओके। अब आप देखो, ये दोनों एंगल सेम ही होंगे, अगर मैं एक की वैल्यू निकाल लूँ वो भी बराबर ही होगा। अब हमें 30 दिया हुआ है, बस मुझे ए और बी निकालना है। अब अरे ए और बी कैसे निकालूंगे, अभी लीनियर पेयर यूज़ किया ना, देखो 70 को 180 में से माइनस करूंगी तो ये निकल जाएगा, और 60 को 180 में से 60 को माइनस करूंगी तो बी निकल जाएगा, और जब ये दोनों निकल जाएगा तो फिर हम इन सब का यूज़ करके ये आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर, हम ए और बी निकालते हैं। ए और बी कैसे निकालेंगे, ये देखो, हम ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखो, पहले लिख लेते हैं फ्रॉम द फिगर
इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, फिगर से क्या पता चल रहा है वो देखते हैं। फिगर से पता चल रहा है कि 70 का यूज़ करके मैं ये निकाल सकती हूँ और 60 का यूज़ करके मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ, क्योंकि बेटा बाहर का एंगल मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अंदर का निकालना है ना, एक्स अंदर है तो मुझे अंदर के ही एंगल्स निकालने पड़ेंगे इसी वजह से। तो 70 का यूज़ करके ये निकालती हूँ। देखो 70 डिग्री प्लस ए इजल टू 180 डिग्री, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन पे अगर एक ऐसे एंगल बनता है लीनियर पेयर की वजह से बनता है, किसके वजह से बनता है बेटा, लीनियर पेयर की वजह से बनता है, और वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। चलो ए की वैल्यू निकालते हैं, 180 में से आप माइनस करेंगे 70 डिग्री को तो आपका आ जाएगा 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री, तो आपका ए निकल गया है ना, ये क्या निकल गया 110 निकल गया, और ये ध्यान में रखिएगा कि ये 110 निकला है। अब दूसरा निकालते हैं बी, 60 डिग्री प्लस बी इजक्ल टू 180 डिग्री, ये भी क्यों निकलेगा बेटा, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से निकल जाएगा इजिली लीनियर पेयर का यूज़ करके, ठीक है। तो बी का, बी की वैल्यू निकालिए, 180 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए 60 डिग्री तो आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा जब आप माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो बी की वैल्यू भी निकल गई, क्या निकल गई 120 डिग्री, है ना। अब ए और बी पता चल गया, मुझे ये बी पता चल गया कितना है 120 डिग्री, और मुझे ये पता चल गया मेरा ये ए कितना है 110 डिग्री। अब मेरे पास ये है, ये है और ये है, और ये दोनों हैं, ठीक है, अब मैं इजीली निकाल सकती हूँ। अच्छा अब ध्यान रखना इसमें कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल्स है। पिछले वाले क्वेश्चन में 4 एंगल्स थे तो हमने उसको कितने के इक्वल में रखा था, 360 डिग्री के इक्वल रखा था, पर इसमें 1 2 3 4 5 है तो हमें मालूम है सम ऑफ, याद रखना बेटा ये सम ऑफ द मेजर, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, 5 हैं तो यानी कि ये क्या है बेटा, पेंटागन है, और पेंटा क्वाड्रिलेटरल तो 360 के बराबर होता है 360, पर पेंटागन जो होता है ये पेंटागन बराबर होता है कितने के बराबर होता है, 540 डिग्री के बराबर होता है, समझ में आया, ये याद रखना हमेशा। पेंटा देखो क्वाड्रिलेटरल हो तो 360, पेंटागन हो 5 हो तो 540 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री के बराबर होता है। अब जो जो एंगल से देखो, एक एंगल से हमने क्या निकाला है बेटा, 120 डिग्री निकाला है ना ए, ठीक है, और 110 डिग्री ये हमारा बी था, और ये हमारा क्या है 110 डिग्री हमारा ए था, ठीक है। देखो अब हम इसको प्लस करेंगे, 120 प्लस 110 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस एक्स, पाँचों ये है, एक ये है, ये है, ये है और ये है, पाँचों पाँचों को हम क्या करेंगे ऐड, ठीक है, और एक क्या है 30 डिग्री, और दो हमारे पास एक्स है, आपको पता चल रहा है ना, दो हमारे पास एक्स दिया हुआ है, और हमें कितने के बराबर रखना है 540 डिग्री के बराबर, क्योंकि पेंटागन 550 के बराबर होता है, 40 के बराबर होता है, ये सब ऐड करेंगे तो ये सब ऐड करेंगे जब आप, तो हमारा आएगा 260 डिग्री के बराबर, और एक्स एक्स क्या बनता है 2x बनता है, आपको मालूम है एक्स एक्स 2x बन गया, और ये नंबर ऐड करके ये आएगा, और 540 डिग्री है। अब 2x को यहीं रहने दीजिए क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 540 डिग्री में से माइनस करेंगे 260 डिग्री, जब 540 में से 260 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 280 डिग्री, और यहाँ 2x है ही, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ जाके आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, ठीक है। अब x हमारा ये भी है, x हमारा ये भी, तो यानी कि ये भी 140 डिग्री बन गया, और हमने ये भी 140 डिग्री निकाल लिया, ठीक है, ऐसे आपके आंसर्स निकलते हैं। नेक्स्ट बेटा डी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो ये पहले पता करते हैं ये कौन सा है, हमने पढ़ा है ना बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन सारे पढ़े हैं, ये कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि ये पेंटागन है, और अभी हमने पढ़ा कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 540 के बराबर होता है, ठीक है। तो डी क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो ये एक्स है ना, सबको एक्स लेट कर लो, इसको भी एक्स लेट कर लो, इसको भी एक्स लेट कर लो, इसको भी x मान लो, और इसको भी x मान लो, अभी कितने x हो गए 1 2 3 4 5 या पेंटागन है तो 5 ही होगा, तो पहले हम लिखते हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, क्योंकि ये क्या है बेटा पेंटागन, ठीक है, पेंटागन
पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये x x x सबको ऐड करना है, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, क्योंकि अंदर कितने एंगल दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच कितने के बराबर है, 540 डिग्री के बराबर है। ये 5x बन जाएगा क्योंकि सबको ऐड करोगे 5x, और ये 540 x की वैल्यू निकालनी है तो 540 डिग्री को किससे माइनस करेंगे बेटा, 5 से, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री, यानी कि ये भी 108 होगा, यानी कि सारे के सारे 108 डिग्री के बराबर होंगे। सारे कितने के बराबर होंगे, 108 डिग्री के। और जब सब आप जब आप और इसको सही पता करने का क्या तरीका है, जब आप सबको ऐड करेंगे ना तो आपका यही आंसर आ रहा होगा 540, ऐड करके देख लो सारे यही 540 आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते। और यही अगर क्वाड्रिलेटरल होता, चार होते, सिर्फ कितने होते, एक दो तीन चार होता किसी भी तरीके से, तो इधर 540 ना रखकर 360 रखते। ठीक है, अगर चार होता तो 360 रखते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं आता क्वेश्चन, हमेशा या तो हेक्सागन होता तो फिर 6 के हिसाब से रखते। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ओके, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से खुद से करने की कोशिश करेंगे, नीट एंड क्लियर। और ये सी फिगर को ठीक कर लीजिएगा जो मैंने आपको दिखाया, आपका सी फिगर राइट ऐसा है, करेक्ट ऐसा है। ठीक है, बुक से मत बनाइएगा नहीं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो नीट एंड क्लियर आप ये क्वेश्चन नोटबुक में अपने करेंगे।